हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरडी सिंह और अभी हम सीख रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में। और आज का मेरा टॉपिक है, लास्ट वाली वीडियो से रिलेटेड ही है, कि व्हाई 90% ट्रेडर्स लूज मनी। तो आज का मेरा टॉपिक है कि हाउ टू मेक मनी मैनेजमेंट प्लान और ये क्या होता है। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि इमोशन कंट्रोल करने के लिए मनी मैनेजमेंट प्लान का होना भी बहुत जरूरी है। ये भी जो है बहुत जो है इम्पोर्टेंट पार्ट है ट्रेडिंग का, अगर इसके बिना तो ट्रेडिंग इम्पॉसिबल है। एक मैंने लीवरेज का लास्ट वीडियो में बताया था, अब ये जो है दूसरा टॉपिक है। तो इसमें क्या है, सिनेरियो क्या होता है कि एक ट्रेडर है, कहता है कि मैं जो है ट्रेडिंग अच्छी करता हूं, मैं जो है 15-20 दिन तक कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना लेता हूं जो मेरा मनी मैनेजमेंट प्लान होता है उसके हिसाब। तो मैंने 15-20 दिन तक डेली का, मैं $5,000 था, मैं डेली का $100-$150 अर्न कर रहा था। बट एक दिन ऐसा आता है जब मेरा पूरा का पूरा अकाउंट बैलेंस जो है खाली हो जाता है, पूरा का पूरा $5,000 का अकाउंट बैलेंस मेरा वॉश आउट हो जाता है सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर। क्यों? क्योंकि उसका लॉट बढ़ते 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 इमोशंस को कंट्रोल ना करने की वजह से इतना बढ़ जाता है कि वो जो है उसी दिन के अंदर जो है सारा का सारा हार जाता है। ये होता है और ये जो है मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए जो है मैं और अच्छे से इसको जो है बता सकता हूँ। और ये जो है मैक्सिमम ट्रेडर्स के साथ ये जो है होता है जो स्टार्टिंग में बिना किसी नॉलेज के इस मार्केट में उतरते हैं। उनको पता होने के बाद भी जो है उनको पता है मनी मैनेजमेंट प्लान फॉलो करना है, हमें जीतना भी कितना है और हारना भी कितना है, ये पूरा का पूरा उनका सेट रहता है। बट इसको जो है हम इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं क्योंकि हमारा माइंड जो है कहता है कि नहीं खेलो खेलो खेलो। और हारने के बाद क्या होता है, जितना भी आपके पास पड़ा होता है उस दिन तो मन करता है सारा का सारा लगा दो और जितना भी लॉस हुआ है उसकी हम रिकवरी कर लें। तो अब चलते हैं इसमें किस तरीके से ये जो है इसकी टिप है या ट्रिक कह लो या मेथड कह लो, इस तरीके से इसको फॉलो किया जा सकता है, ना चाहते भी हुए भी आपको जो है फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले मान लेते हैं कि आपके पास $5,000 का अकाउंट है और आपको पता है कि आपका मार्केट का एक रूल है, अगर आप इस रूल से चलेंगे तो आप जो है विन करेंगे। मार्केट कहता है कि डेली जो है आप 2% से ज़्यादा रिस्क ना लें, अपना टोटल कैपिटल जो है उसका 2% रिस्क रखें, उससे ज़्यादा आपको रिस्क नहीं रखना है। 2% का मतलब कितना हो गया, $100 अगर आपका $5,000 का अकाउंट है, और अगर आपका $10,000 का है तो $200, ये आपका रिस्क होना चाहिए। और अर्निंग भी इसी हिसाब से $100 या $150 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अब क्या होता है, ट्रेडर्स ने ट्रेड लगाई, वो जो है SLTP, न्यू ट्रेडर्स जो होते हैं वो SLTP जो है अपना मैनिपुलेट करते रहते हैं, कभी चेंज कर दिया, कभी ये रखा, कभी वो रखा, कभी छोर रख दिया। और टीपी के साथ भी सेम ऐसा ही होता है, उनका जब लॉस स्टार्ट होता है वो जो है कंफ्यूज हो जाते हैं और इमोशंस को कंट्रोल ना करने की वजह से उनका जो है पूरा का पूरा लॉस हो जाता है। अब वहाँ पर होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि उनको जैसे ही उनका 2% का टारगेट हिट होता उनको उस मार्केट से निकल जाना था, बट इमोशंस कहते हैं नहीं वापस आएगी ट्रेड, आएगी आएगी। और वो जो है ट्रेड के साथ लॉट साइज भी बढ़ता जाता है, बढ़ता बढ़ता इतना हो जाता है कि अकाउंट जो है खाली हो जाता है। अब इसमें जो है हम क्या कर सकते हैं, हमें 2% हारना है, डेली का 2% से ज़्यादा नहीं आना। अगर आपका अकाउंट पहले $1,000 का है, आपकी कैपेसिटी $1,000 की है, तो आप जो है 2% सिर्फ आपको डेली हारना, 2% कितना हो गया $1,000 का, $50 आप जो है डेली के हार सकते हो, उससे ज़्यादा आपको जो है नहीं हारना है। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, $50 या $60 होते हैं। तो अब जो है किस तरीके से इसको फॉलो करना है ये देखते हैं, आपको कितना बैलेंस हारना है। जैसे $5,000 का ही हम एग्जांपल लेते हैं, 2% $5,000 का कितना हो गया $100 हो गया। तो अब $100 आपको अर्न करने हैं और $100 आपको जो है हारने हैं, तो ये मार्केट का रूल है। अगर आप किसी और रूल से चल रहे हैं तो हो सकता है आपकी ट्रेडिंग स्टाइल जो है उस हिसाब से हो, बट ये जो है नॉर्मली मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो है वो इसी प्लान पे चलते हैं, 2% का लॉस उनका रहता है डेली का। और ये मार्केट का रूल है, ये मेरा रूल नहीं है, मैं अपनी तरफ से कोई रूल नहीं बना रहा, ये मार्केट का रूल है। आप गूगल पे पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं कि कितना रिस्क जो है आपको डेली लेना चाहिए। 2% इनफ होता है, बहुत ज़्यादा होता है बड़े अकाउंट्स के लिए, 2% का आपको रिस्क लेना है। 2% हम किस तरीके से रख के चलें, 2% हम किस तरीके से कंट्रोल करें हमारे अकाउंट में जो है, आप सिंपल सा एक तरीका आपको यूज़ करना है, आपको अपने अमाउंट में सिर्फ 2% ही डिपॉजिट करना है। आई नो इस पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है बिकॉज आपके अकाउंट में, आपके हाथ में जो है सारी की सारी डिटेल्स होंगी, आप जब चाहे उसको जो है, अगर $5,000 का अकाउंट है तो आप $100 करना चाहते हो तो 100 से जो है आप $5,000 उसको डिपॉजिट कर लोगे। बट रियलिटी में मेरी ये बात मानो, आपकी अर्निंग जो है आप $100 से भी उतनी ही करोगे जितनी आप $5,000 से कर रहे थे। बट जिस टाइम पे आप हार रहे होंगे
उस टाइम पे आप जो है कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और 100 डॉलर हारने पे भी दुख उतना ही होता है जितना 5000 डॉलर हारने पे होता है। इमोशंस बिल्कुल सेम रहते हैं बिकॉज दोनों की सिचुएशन सेम रहती है कि आप जो है हारे हो। इमोशंस जो है बिल्कुल सेम रहने वाले हैं, बट आपका ये फायदा होने वाला है आप जो है 2% हारोगे और मार्केट के रूल के हिसाब से हारोगे। जिस टाइम पे आपको विन करनी होगी, ये एक हमारे माइंड की मिथ होती है, अगर हमारे अकाउंट में 5000 डॉलर का अकाउंट होगा हम जो है ज़्यादा अर्न कर पाएंगे। नहीं, ये मिथ है, ये रियलिटी नहीं है, बिल्कुल जो है एक कि मिथ है और कुछ नहीं है। ये रियलिटी नहीं है कि आपके अकाउंट में 6000 डॉलर होंगे आप तभी विन कर सकते हो, आपके अकाउंट में 100 डॉलर होंगे आप तभी विन कर लोगे। बट 100 डॉलर में आपका फ़ायदा क्या रहेगा, आप मार्केट के रूल्स के हिसाब से चलोगे। मार्केट के रूल्स क्या कहते हैं कि आपको 2% से ज़्यादा नहीं आना, तो अगर आप उस दिन हार भी गए तो आप सिर्फ 100 डॉलर हारोगे, उससे ज़्यादा नहीं हारोगे। जो है पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको 2% से ज़्यादा नहीं आना, तरीके से नहीं हारना। वो जो है आपको 100 डॉलर इन्वेस्ट करने हैं, आपको आपका जितना भी टोटल है उसका 2% आपको जो है अपने अकाउंट में डिपॉजिट करना है। जिस टाइम पे लोग हारते हैं, टाइम पे मन करता है उसी टाइम पे अपने कार्ड उठाते हैं और जो है डिपॉजिट कर देते हैं दोबारा से। ये गलतियाँ मैंने भी की है इसलिए मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। इसके लिए क्या सॉल्यूशन है, हम जो है अपना अकाउंट जो है डिपॉजिट ना कर पाए, ना चाहते हुए भी जो है आप डिपॉजिट कर देते हो और जब फिर मैं बैठ के सोचते हो तो सोचते हो कि कितनी बड़ी गलती की थी, मैं उस टाइम पे डिपॉजिट ना करता तो ना होता। तो इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था अपने स्क्रिल का पासवर्ड, कि मैक्सिमम लोग जो है स्क्रिल और नेटलर के थ्रू जो है अपना डिपॉजिट करते हैं, तो आपको अपने स्क्रिल का पासवर्ड ने किसी नोन को देना है। को पासवर्ड नहीं पता होना चाहिए, ये बात का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। नहीं, किसी नोन के पास पासवर्ड जो है आप दे सकते हैं, ब्रदर सिस्टर मदर जो भी हैं जिस पे जो है आप करते हो उनको जो है आप अपना पासवर्ड दे सकते हो स्क्रिल का, और उन्हें सिर्फ एक चीज़ बता दीजिए कि मेरा 2% का टारगेट आप उन्हें, जैसे आपको तो पता ही होगा, तो आप उनको सिर्फ ये बता दीजिए कि आप जो है 100 डॉलर डेली के दे दिया करना, और कुछ नहीं चाहिए। अर्निंग तो आप विड्रॉल कर पाओगे, अर्निंग जो है। और इसमें एक और बात ये आपको ध्यान रखनी है कि आप 5000 डॉलर से रहे हो तो उस टाइम पे आपकी 5000 डॉलर पे लीवरेज 50 होनी चाहिए या 20 होनी चाहिए या 10 होनी चाहिए। उस टाइम पे आप एक मिनिमम लॉट भी जो है 5000 डॉलर पे 0.5 तक का आप मार सकते हो, आपकी कैपेबिलिटी है। तो 100 डॉलर पे भी आपको यही करना है, 100 डॉलर पे आप जो है अपनी लीवरेज 10 मत कर लेना, वरना जो है आपकी अर्निंग नहीं हो पाएगी। आपको अर्निंग उतनी ही करनी है जितनी आपकी 5000 डॉलर पे आप करना चाहते थे डेली के 100 डॉलर 150 डॉलर, वो जो है आपको लॉट अपना थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा, को जो है लॉट उसके लिए इंक्रीज करना होगा। तो इस मेथड के अंदर आपको अपनी लीवरेज जो है ज़्यादा रखनी है, जितनी आप 5000 डॉलर पे आपकी कैपेसिटी थी, 5000 डॉलर पे आपकी कैपेसिटी अगर आप 20 लीवरेज रख रहे थे तो आप जो है 0.2 या 0.3 तक का लॉट आप मार सकते थे, या 50 की लीवरेज अगर आपकी होती तो आप 2 स्टैंडर्ड लॉट मार सकते। आप अपनी जो है 100 डॉलर पे लीवरेज ज़्यादा रखें जिससे जो है आप अर्निंग ज़्यादा कर पाएं। यहाँ पर अब आपका होगा क्या, यहाँ पर जो है आप अर्निंग तो उतनी ही करोगे क्योंकि को तरीका पता है किस तरीके से आपको अर्निंग करनी है। आप 15-20 दिन कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर रहे हो और आई होप कि आप जो है नॉर्मल अमाउंट से ही जो है विनिंग कर रहे होंगे, 100 या 150 डॉलर से, उससे ज़्यादा आपका नहीं लग रहा होगा। यहाँ पर आप जो है जिस टाइम पे हारोगे उस टाइम पे आप कितना हारोगे, 100 डॉलर हारोगे, और सिर्फ उसी दिन के लिए हारोगे। और इससे भी आप अकाउंट अपना स्क्रील का दिया उसको ये बोल देना मुझे एक दिन में एक से ज़्यादा डिपॉजिट मत करने देना, या उसी को देना कि आप जो है डिपॉजिट कर दो मेरे बिहाफ पे, मैं आपको लॉगिन डिटेल दे रहा हूँ और उनको एक बार सिखा दो, जिस दिन आप हारो उस दिन आप उनको बता दो कि मेरे अकाउंट में 100 डॉलर डिपॉजिट कर दो। ऐसा मेथड है और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करने का बहुत ज़्यादा ही है, क्योंकि इमोशंस पे जब हम कंट्रोल नहीं कर पाते तो जो है ये गलतियाँ करते हैं कि हम अपना बैलेंस खुद ही डिपॉजिट कर देते हैं और उससे ज़्यादा डिपॉजिट कर देते हैं उसकी रिकवरी के लिए जो हम अमाउंट पहले हारें। ये रियलिटी नहीं है, रियलिटी में अगर आप रिकवरी करना चाहें तो आप जो है 100% जो आपका टारगेट है डेली का, और ये मार्केट के रूल्स हैं, अगर इनके खिलाफ अगर आप जाओगे तो मार्केट तबाह कर देगी आपको, बिल्कुल ख़त्म कर देगी, कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, सिंपल सा तरीका है, दोबारा से मैं रिवाइज करा देता हूँ। 2% का आपको लॉस रखना है, टीपी आपका जितना मर्जी रहे कोई दिक्कत नहीं, आप 5% अर्न करें, 10% करें, या 100 डॉलर से आप एक दिन में 5000 डॉलर अर्न कर लें, नहीं करता। बट लॉस आपको 2% से ज़्यादा नहीं करना, 5000 डॉलर पे 100 डॉलर इनफ है, 100 डॉलर ही आपको डिपॉजिट करने हैं। सेकंड पॉइंट, ऑप्शंस को कंट्रोल किस तरीके से किया जाए कि हम ना कर पाएं, तो इसके लिए आपको जो है अपना स्क्रिल का पासवर्ड जो है आप किसी दोस्त
अपने किसी रिलेटिव को देना है जिस पे आप ट्रस्ट करते हो कि ये जो है मेरे वो ही जो है आपके बिहाफ पे डिपॉजिट करेगा डेली के $100 अगर आप डेली हार रहे हो तो ये क्या होगा, आप महीने के बाद भी या डेढ़ महीने तक आपका $5,000 का अकाउंट चल जाएगा अगर आप कंसिस्टेंटली डेली $100 हार रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। और अर्निंग कितनी होगी, अर्निंग तो आपकी नॉर्मल ही रहने वाली है, अर्निंग आपके फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप $100 पे 5 का भी लॉट मार रहे हो तो 200 पॉइंट हो जाते हैं, 200 पॉइंट आपकी मार्केट डेली की डेली आपके अगेंस्ट नहीं खिसकने वाली। 45 डेज़ का आपके पास बैकअप है तो 45 डेज़ तक आपके अगेंस्ट खिसकेगी। कि दिन ऐसा भी होगा कि आपने मारा और आपके फेवर में आके वो 0.5 के फेवर में 2000 पॉइंट या 3000 पॉइंट भी आ सकता है, तो सीधा सीधा आपका प्रॉफिट कितना होने वाला, $1,000-1500 का, जो कि बहुत ज़्यादा रहने वाला है। वो रिस्क टू रिवॉर्ड में आ जाता है कि आपका TP और SL कितना रहने वाला है। सिंपल सा तरीका है, अगर आपको समझ में आ रहा है बहुत अच्छे है। और अभी भी अगर कोई डाउट आ रहा है इस सिस्टम में कि ये क्या है, सिंपल सी तरीका है, आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं जो है दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है। बट इसको जो है ज़रूर अप्लाई करें, बिकॉज ये मार्केट का रूल है। एक बार के लिए आप लीवरेज वाला ना अप्लाई करें, बट इस थर्ड को आपको अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी भी कोई डाउट कमेंट या आपका कोई सजेशन या आइडिया है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं।